चाहे इंसान कोई भी हो, मेरे सामने कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, मेरे को ये पता है रात को वो भी चड्डी बनियान में ही सोता है। तो सब एक जैसे ही है, किसी के सामने ऐसे इनसिक्योर फील करने की आई डोंट थिंक मेरे को ऐसे जरूरत नहीं लगती है। जब मैंने स्कूल छोड़ा था तो पापा ने ऐसे बिठाया था मेरे को और पापा ने बोला था कि देखो बेटा तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग कर रहे हैं ये सेम चीज़, बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा कुछ हो जाए। अगर तुम उस चीज़ से अवेयर हो और तुम्हें वो चीज़ रियलाइज होती है तो तुम कर लो, हम तुम्हें कुछ करवाएंगे भी, वैसे भी फोर्सफुली भी कुछ करवाएंगे, तुम वो चीज़ तो करोगे नहीं, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें करना चाहिए तो कर लो। तो मैंने तो 2 सेकंड भी लगाया, मैंने कहा हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कर लेंगे, क्या जाता है। तो मैं ऐसे अपने कमरे में आके बैठा, तो पहले 5 मिनट जब मैं बैठा ना, उस चीज़ की रियलाइजेशन की अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे यहाँ बैठ के वीडियो बनानी है, और बेटा यस, वो बहुत बहुत ही तगड़ी फीलिंग थी वो। लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही हिट हुआ, ओ शिट, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, अब मेरे को सिर्फ यही करना है। तो अगर मैंने इसमें कुछ नहीं किया ना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, घोड़े की तरह लग जा। अपने आप को मैं इतना अप्रिशिएट नहीं करता, मैं बिल्कुल ही नहीं करता एक्चुअली। मतलब ट्विटर पे चले जाते हो आप, नॉर्मल साइट्स पे चले जाते हो, बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है कि आप तो बिल्कुल ही बेकार हो, आप तो घटिया हो, बकवास हो आप। तो आपके दिमाग में खुद ही हो जाता है कि ठीक है यार क्या है, अब हम भी कर रहे हैं अपना काम, ठीक है। बट ऐसी कोई आपके अंदर ना अप्रिसिएशन नहीं होती है, चाहे इंसान कोई भी हो, मेरे सामने कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, मेरे को ये पता है रात को वो भी चड्डी बनियान में ही सोता है। मैं तो ये मानता हूँ सबकी पर्सनल लाइफ इतनी भयंकर चल रही होती है ना, तो इन चीज़ों से तो ये तो बहुत पीछे रह जाती है चीज़, और एक टाइम के बाद आदत हो जाती है, तो बहुत चिल है, इसमें इतना कोई सीन नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ ना बहुत ही बढ़िया करनी है, इट्स नॉट अबाउट दैट, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो आई फील आप जितना अपनी इनसिक्योरिटीज से अवेयर रह सकते हैं ना, तो आई गेस उतना आपके लिए पर्सनली बहुत बेटर है। फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, तो अगर आप अभी से ही टेंशन लेके बैठ जाओगे, ये बहुत मतलब नॉर्मल बहुत बात है कहने के लिए, लेकिन मतलब इसके अंदर की जितनी गहराई है ना लोग समझते नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा कोसते हैं ना कि हम ये हैं वैसे हैं ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो ना जिंदगी नहीं जीते, दे डोंट लिव लाइफ, वो बस अपने आप को कोस ही रहे होते हैं। आई एम वन ऑफ देम, बट मैं अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि नहीं यार ठीक है, जैसे भी है जो भी है सब परफेक्ट नहीं होते हैं, तो आपको हक है कि आप खुश रह सकते हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइफ को। तो आई फील अभी ये मेरी मिस्टेक काफ़ी रही है कि अपने आप को मैं क्यों कोसता हूँ इतना, मेरे को नहीं करना चाहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है कि हमें चाहिए कि उसके पीछे कुछ हो, हर चीज़ के पीछे कुछ गहराई हो या कुछ ऐसा हो, बट उसके पीछे कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्या है, तो तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में, तुम्हें वो क्यों सोच रहे हैं, अपने आप को इतना क्यों तुम्हें कोसना है। मैं अभी एक्चुअली एक ऐसे उसके ऊपर गाना टाइप भी लिख रहा था, जिसके अंदर मैंने ऐसे 4 लाइनें, उसका ये पार्ट था कि ऐसे इतनी मुश्किल नहीं जिंदगी जितना तुम सोचते हो, सोच सोच में ही तुम खुद को कितना कोसते हो, कोस कोस दूर अपने आज में तुम जोड़ते हो, जोड़ जोड़ के ख्याल जिंदगी को तोड़ते हो। हाय, दिस इज कैरी मिनाटी और आप हमें देख रहे हैं मेंस एक्सपी के चैनल पे। हाँ तो लाइक करो ना, सब्सक्राइब भी करो, और ज्यादा ही पसंद आ गया तो शेयर भी कर दो, क्या दिक्कत है, है? मैं निपल तो नहीं दिख रहा।